फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के इस लेवल पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम जाएंगे विशाल मेगा मार्ट और वहाँ पे खरीदेंगे कुछ सामान, क्योंकि हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। हम जस्ट अभी अभी न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं तो अभी हमारे पास कोई सामान नहीं है, तो हमें ख़रीदना पड़ेगा पूरा का पूरा सामान। तो आज डेली यूजर्स के जो सामान है वो परचेस करने के लिए हम जा रहे हैं। हमारे प्रेजेंट टाइम पे 500 नोट्स बैन हो गए हैं, तो फिर जब हमें कार्ड यूज़ करना पड़ेगा और कार्ड से यूज़ करके ख़रीदना पड़ेगा। वैसे तो बेसिकली मैं मार्केट से सामान परचेस कर लेता हूँ, लेकिन कार्ड बैन है तो नोट बैन है, नोट नहीं चल रही है, तो फिर हमें आज वहाँ जाना पड़ेगा मॉल में। और वहाँ पे इजीली कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ मैं परचेस कर सकूँगा। तो आज मैं वहीं जाऊँगा और जो भी डेली यूजेस की मेरे सामान चीज़ें हैं उससे मैं वहाँ से लेके आऊँगा। अभी नहीं, आराम से मस्त है ये रोड, मुझे बहुत पसंद है। इलाहाबाद में जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है रोड। इस रोड पे गाड़ी चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और ये काफ़ी अच्छी जगह है, तो यहाँ हम लोग घूमने के लिए भी आते हैं। किसी दिन मैं यहाँ की वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही जल्द हो सकता है मैं यहाँ की कोई वीडियो शूट करूँगा, तो मैं यहाँ के बारे में आपको दिखाऊँगा कि कैसी जगह है ये। और ये जो ब्रिज बना हुआ है बहुत अच्छा ब्रिज है, तो यहाँ पर नाइट में डे में किसी भी टाइम बहुत अच्छा फील होता है। और जब भी यहाँ पे मैं आता हूँ घूमने आता हूँ तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है और घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह, एकदम कूल फील होता है। तो आप यहाँ सामने की लोकेशन देख रहे होंगे, एकदम तो जो आपको सामने की लोकेशन है ये बहुत अच्छा है, ये एकदम प्रीमियम लुक देता है इलाहाबाद में। और बहुत ही ऐसी लोकेशन शायद यूपी में तो एक ही पुल है, ये एक ही पुल है अपने इलाहाबाद में, ये बहुत ही अच्छी जगह है, लोग इधर घूमने आते हैं। तो ये इस पुल को क्रॉस होकर हमें सिटी में जाना पड़ता है और वहाँ जाके हम सामान परचेस किया करते हैं। तो मॉल आउटसाइड में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर मॉल नहीं है तो मुझे सिटी में जाना पड़ता है, वहाँ से मैं परचेस करूँगा और फिर मैं वापस आऊँगा। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और आई होप बहुत जल्दी एक या दो दिन के अंदर ही मैं इस पुल की कोई वीडियोज़ बनाऊँगा, यहाँ पर घूमने आऊँगा फिर यहाँ की वीडियोज़ बनाऊँगा। और अभी जो मैंने नया घर लिया है वो पास में ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए यहाँ आना और आपके वीडियो देना। तो मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे आके दूसरा मौके दूँगा आपको वीडियो। वैसे आप लोकेशन देखो, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मस्त जगह है, तो ये बहुत ही एकदम इधर लोग घूमने आते हैं। आप भी इधर अगर आप इलाहाबाद के हो तो आपको पता होगा इस जगह के बारे में, बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप भी अगर आना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, तो बहुत मस्त जगह है। आप एक बार आके देखो, बहुत मज़ा आता है दिन में नाइट, कभी भी आप आओ नाइट में, देर नाइट तक इधर लोग उठते हैं घूमते हैं, जितनी नाइट होती है ना उतना अच्छा लगता है।
नहीं दे पाया। एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे हम वीडियो शूट करना मना था, तो हम वहाँ पे वीडियोज़ नहीं शूट कर पाए। लेकिन मैंने जो परचेस करना था मुझे, वो मैंने परचेस किया और मैं अभी घर पहुँचता हूँ, तो फिर मैं पहुँच के दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान परचेस किया है। और आज हमारा जो प्लान था वो काफ़ी बजट में था, तो हमने सोचा था कि जो भी चीज़ें लेनी है वो बजट के हिसाब से लेनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने परचेसिंग किया है पूरा पूरा सामान। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर फाइनली हम लोग पूरा सामान खरीद के वापस आ गए हैं घर पे। और आज का सफ़र कैसा रहा, आपने देखा कि सफ़र हमारा काफ़ी ठीक ठाक था और घूम के काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया वहाँ पे शॉपिंग किया, क्योंकि वहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं था। तो मॉल के अंदर हम वीडियोस नहीं शूट कर पाए, लेकिन घर आके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वहाँ पे आज क्या क्या परचेसिंग की है और क्या क्या सामान ख़रीदा है। तो हम विशाल मेगा मार्ट में गए थे और हमने कुछ बिस्किट्स ख़रीदे हैं, सीएफसी बिस्किट्स हैं और फॉर्चून ऑयल्स तेल, और ये टोकरियाँ ली हैं। ये मैंने दो ख़रीदा है, ये मैंने दो टोकरियाँ ली हैं, क्योंकि अच्छी तरह लोग नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे पास यूज़ के लिए भी कोई सामान नहीं है, तो हमें लगा कि सब्ज़ी लेने के लिए रखना अच्छा होगा, तो हमने दो टोकरियाँ ली हैं और तेल। इसके अलावा ये सॉक्स, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम आ गया है तो सॉक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ये सॉक्स लिया है। और ये अचार मैंने लिया है, इंडिया में अचार काफ़ी फेमस है। इंडिया में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खाने में जाओ, किसी भी जगह, तो अचार वहाँ पे मिलता ही है, और अचार इंडिया का अचार बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों ने अचार के भी दो डिब्बे लिए हैं, एक के साथ दूसरा फ्री मिला है हमें। तो इसको मैं टेस्ट करके आप लोग को बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताऊँगा। और फिलहाल देखते हैं, वैसे देखने में तो अचार काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमें सिर्फ 99 में टू पैकेट्स मिले हैं, तो इसका जो रेट है वो क्वांटिटी के हिसाब से बहुत सही लगा मुझे। 99 में अगर दो पैकेट मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ठीक ठाक डील थी, और मैक्सिमम सामान हमने ऐसे ही खरीदे हैं जिनकी डील अच्छी रही हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी डील रही, तो इसको ख़रीदने में हमें अच्छा लगा। और इसके अलावा ये कुछ स्पूंस मिले हैं, 3 स्पूंस हमें 99 रुपीज़ में मिले हैं, तो ये 3 स्पूंस हमने लिए हैं। और राइस, ये मेरा है 450 का मिला, ये 450 का मिला है, 450 में दो पैकेट, एक के साथ दूसरा फ्री, तो इसलिए हम लोगों ने ले भी लिया। वैसे राइस लेने का कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन वहाँ पे डील अच्छी थी और इस रेट में हमें दो पैकेट्स मिल रहे थे, तो इसलिए हमने ले लिया, एक के साथ दूसरा हमें फ्री मिल गया, तो ये भी एक अच्छी डील रही हमारे लिए, तो ये भी हम लोग लेके आए। कुछ और बिस्किट्स, और टूथपेस्ट, ये दंत कांति बाबा रामदेव का पतंजलि का ये टूथपेस्ट है, और इसको बेसिकली मैं इसी को यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है ये, तो इसको भी मैं लेके आया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे कोलगेट या और भी किसी तरह का कोई भी ब्रांड यूज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा शैम्पू ये लेके आया हम लोगों ने, और शैम्पू के अलावा च्यवनप्राश तंदुरुस्ती के लिए ये लेके आए हम, और ब्रश है कपड़े धोने के लिए, और कुछ साबुन है, और ऑयल है, पतंजलि का ऑयल है। वैसे पतंजलि के प्रोडक्ट मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्रीम हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ों के लिए पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, तो ये लेके आया मैं। और उसके अलावा ये साबुन हो गया, और ये बर्तन धोने का साबुन। तो फाइनली इतना सामान हम लोगों ने ख़रीदा, और इतना सामान ख़रीदने के बाद हमें कुछ चीज़ें वहाँ से फ्री में मिली हैं, वो है ये शुगर का पैकेट। हमें 1 किलो शुगर का पैकेट वहाँ से फ्री में मिला है, जो हम यूज़ करेंगे अभी। तो इतना सारा सामान खरीदने के बाद हमें शुगर का पैकेट वहाँ फ्री में मिल गया, ये बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो अपने सुझाव हमें भेजिएगा, और आई होप आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। और
हम भी आगे ऐसे ही वर्क करते रहेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियोज लाने की। लेकिन अभी क्योंकि हमारा स्टार्टअप है और हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम लगातार सीखने की कोशिश करते हैं। और आई होप ये वीडियो भी आप लोग को थोड़ी सी तो पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो फिर अभी के लिए बाय, मिलते हैं।